यस सर, यस सर, ठीक है। तो स्टार्ट करते बच्चों सेट्स, ठीक है ना। पहला चैप्टर है बड़ा इजी चैप्टर है और ये बेसिक चैप्टर है। वह इस सेट के ऊपर बहुत सारा चीज डिपेंड करता है सेट के ऊपर। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं सेट होता क्या है, ठीक है ना। तो बच्चों सेट क्या है डिफाइन लिख लेते हैं, व्हाट इज सेट। चलिए देखिए, सेट सेट इट इज नथिंग बट इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन of objects, objects between the curly bracket, curly का spelling क्या होगा, C R L Y, क्या होता है ये जो bracket देते हैं इसको curly bracket बोलते हैं, C U R L Y, अच्छा, yes sir, C U R L Y, curly brackets separated by comma। अब कॉमा का स्पेलिंग देख लेना क्या होता है, अब आप लोगों को कॉमा का स्पेलिंग शायद तक नहीं हो रहा है, देख लीजिए। तो देखिए बच्चों सेट क्या है, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जब एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हम लिखे हैं ऑब्जेक्ट्स का विद इन द कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है, और सारा एलिमेंट्स को अगर हम सेपरेट करें कॉमा देखें, ठीक है। मतलब मान लीजिए सपोज मैं अगर आपको लिख रहा हूँ ए, सपोज अच्छा जनरली ए सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स, ठीक है ना। सारा हमेशा सेट को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज सेट ए लिख रहा हूँ, मैं ए लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा जिसमें लिखा 2, 4, 6, 8, 10, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे जो भी मैं एलिमेंट्स लिखा हूँ बच्चों, यहाँ पे कितना एलिमेंट्स लिखा हूँ मैं, 5 एलिमेंट लिखा हूँ ना, 2, 4, 6, 8, 10। इनको आप क्या डिफाइन कर पाएंगे बच्चों, कुछ इनमें रिलेशन बता पाएंगे कि क्या है भाई ये लग? अगर ऐसे में दिल दूँ तो आप कुछ बता पाएंगे, इनमें कुछ कॉमन है, कुछ चीज आपको दिख रहा है बच्चों कि क्या लिखा हूं मैं, किसका कलेक्शन लिखा हूं, मल्टीपल सर, इवन नंबर, इवन नंबर, बस बस, वेरी गुड, वेरी गुड, हां सर मल्टीपल का 2, बढ़िया। तो ये सर बोल सकते हैं कि वी हैव रिटन ऑल द इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 या लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है ना। हम इवन नेचुरल नंबर्स लिखे बच्चों जो कि लेस देन 12 था, तो 12 से नीचे जो भी आपको इवन नंबर मिला वो आप कलेक्शन डाल दीजिए। तो इट इज प्रॉपरली डिफाइंड, आप डिफाइन कर पा रहे हैं और सबके लिए यूनिक डिफाइंड, ठीक है ना, सबके लिए यूनिक डिफाइंड। ये नहीं कि संकल्प और कुछ बोला, आयुष्मान और कुछ बोला, सब एक ही डिफाइन किया। आप सब बोले कि सर ये 2 का मल्टीपल है, या फिर कुछ बच्चे बोले कि इवन नंबर, इट इज सेम, है ना। तो इसीलिए इसको बोला गया वेल डिफाइंड कलेक्शन, डिफाइंड ठीक से होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, सबके लिए सेम होना चाहिए। ये नहीं कि मेरे लिए अलग और आपके लिए अलग हो, जब ऐसा अलग अलग हो जाएगा बच्चों तब उसे हम सेट नहीं कहेंगे, ठीक है ना। वेल डिफाइंड मतलब सबके लिए सेम होगा वो चीज, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट्स, वेल डिफाइंड एलिमेंट्स होना चाहिए वहां पे, ठीक। सपोज मैं यहां पे और एक सेट लिख रहा हूं बी, जिसमें मैं लिखा राम 26, गुड, टॉल, ठीक है, ये लिखा सपोज, क्या ये वेल डिफाइंड है बच्चों? नहीं सर, नो सर, ये वेल डिफाइंड नहीं है बच्चों, ठीक है ना, ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये इसमें कोई डिफाइन नहीं, इसमें आप इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। सो इट इज नॉट ए सेट, ये सेट नहीं है बच्चों, ये सेट नहीं, इसे हम सेट नहीं कह पाएंगे। क्यों नहीं कह पाएंगे भाई? क्योंकि ये तो वेल डिफाइंड ही नहीं है। पहला क्राइटेरिया सेट के लिए क्या था बच्चों, कि वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। अगर डिफाइंड अगर ठीक से नहीं हो रहा तो उसे आप सेट नहीं कह पाएंगे, ठीक है ना। अरे बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, वेल डिफाइंड का मतलब क्या, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यस सर, यस सर, यस सर। तो सपोज जैसे मैं कुछ कलेक्शन दे रहा हूँ, बताइए ये वेल डिफाइंड है कि नहीं। जैसे यहाँ पे आपको बोला है कलेक्शन ऑफ आवर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यस सर है, मैं बोल दे रहा हूँ सही है ना, कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ आवर्स क्या होगा भाई, ये सेट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, यस सर होगा, क्यों होगा भावर्स, सब देखिए बात, एक चीज याद रखिए बच्चों, डिफाइन जो हो उसका या जो भी आप सेट सोचे वो सबके लिए सेम होना चाहिए। अलग अलग हो गया तो उसे हम सेट नहीं कर पाएंगे। जैसे बोला वावल्स ऑफ इंग्लिश लेटर, तो वावल्स बोला तो सबके लिए आपके दिमाग में सबके लिए सेम आया, क्या आया, ए ई आई ओ यू, क्या या और किसी के लिए और कुछ आ गया? नहीं ना, सबके लिए सेम आया ना बच्चों, तो ए ई आई ओ यू सबके लिए सेम होना चाहिए। अगर किसी के लिए अलग आ गया तो उसे हम सेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे पूछ रहा हूँ, सुनिए ध्यान से, मैं अगर आपसे पूछ रहा हूँ कलेक्शन ऑफ ऑल द गुड स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, आपके क्लास के अच्छे बच्चों का कलेक्शन, क्या ये भवल, क्या ये सेट होगा बच्चों? No, नहीं होगा सर, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? No, क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि मेरे लिए अच्छा कोई अलग है ना, हो सकता है मेरे लिए अच्छा बच्चा वो है
जो क्या बोलते हैं डेली टिफिन लाता है, आपके लिए अच्छा बच्चा वो है जो बढ़िया मार्क लाता है, और किसी टीचर के लिए अच्छा बच्चा वो है जो डेली होमवर्क करके आता है। तो अच्छा एक वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना, हम वेल डिफाइंड नहीं कर सकते। मान लीजिए अगर मैं और एक साइड पे हूँ बच्चों, सुनिए ध्यान से, और एक साइड पे बोलूँ से सपोज कलेक्शन ऑफ ऑल द बैट्समैन, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, ऑल द बेस्ट बैट्समैन, तो क्या ये सेट होगा बच्चों? क्या ये सेट होगा? नो सर, नो सर, सेट नहीं होगा, इसे हम सेट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे भाई? क्योंकि बेस्ट जो है वो सबके लिए अलग हो सकता है। किसी के लिए राहुल द्रविड़ अच्छा बैट्समैन हो सकता है, मेरे लिए अच्छा है, किसी के लिए सौरभ गांगुली बेस्ट बैट्समैन हो सकता है, किसी के लिए धोनी है, किसी के लिए विराट है ना, तो सबके लिए अलग हो रहा है, तो सेम नहीं आ रहा बच्चों, मतलब इसे हम सेट नहीं कह पाएंगे। तो इतना चीज तो आपको समझ में आ गया ना कि सेट क्या है, लिखना छोड़िए उसको, कैसे दिखते हैं, क्या लिखते हैं, वो सब दूसरा बात है। पहले ये बात है कि आपको ये समझ में आ गया बच्चों सेट किसे कहते हैं, किसे हम सेट कह पाएंगे, किसे सेट नहीं कह पाएंगे। सबको क्लियर हो गया सेट किसे कह पाएंगे? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। देखिए बच्चों, कुछ लेटर्स है जो कुछ लेटर्स है, जैसे मैं आपको बोला कि ऑल द सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स, मैं आपको बोल दिया अभी कि जितना भी सेट है उसे हम हमेशा कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। अब कुछ कैपिटल लेटर्स, कुछ जो लेटर्स है बच्चों, उनको रिजर्व रखा गया, रिजर्व रखा गया मतलब दे आर प्री डिफाइंड सेट्स, उनको पहले से रिजर्व रख दिया गया कि आप ये लेटर यूज नहीं कर सकते, ये लेटर जो है वो पहले से एक जगह रिजर्व है, ये उसके लिए रिप्रेजेंट करता है। तो प्री डिफाइंड सेट्स या रिजर्व सेट्स क्या क्या है देख लीजिए, लिख लीजिए उसको बच्चों, प्री डिफाइंड सेट्स। पहला आता है बच्चों कैपिटल एन, तो कैपिटल एन क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, वेरी गुड, लिखिए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स आपको क्या रहता है भाई, कैपिटल एन में रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स हमेशा रिप्रेजेंट करेगा किसमें, सेट ऑफ एन से, अगर कहीं पे एन लिखा है बच्चों, कैपिटल एन लिखा है तो आपको समझ जाना है कि वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ठीक है ना। उस तरह देखिए जेड, जेड इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ये लेटर्स आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, अब सब क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा कैपिटल एन जेड लिखा होगा तो मुश्किल हो जाएगा। आप सबके पास मैथ बुक है कि नहीं भाई, पहले ये बताइए, तो मैथ बुक है कि नहीं सबके पास? यस सर, यस सर। जिनके पास नहीं हो पीडीएफ डाउनलोड कर देना, जिनके पास है तो बढ़िया, क्योंकि हम डायरेक्ट इससे करेंगे, बुक से एक्सरसाइज कराऊंगा, पहले एक्सरसाइज करा दूंगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। उस तरह बच्चों में जेड प्लस लिखा जाता है तो आप पढ़ेंगे सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। उस तरह क्यू रिप्रेजेंट करता है आपको सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, क्यू रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। क्यू प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, सेट ऑफ ऑल, क्यू प्लस हो गया मतलब क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, वेरी गुड, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, ठीक है। उस तरह ये कुछ प्री डिफाइंड लेटर्स है बच्चों, जैसे आर आपको रिप्रेजेंट, आर आप बहुत जगह यूज देखेंगे, आर फॉर रियल नंबर्स होता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। डब्ल्यू दिया रहता है बच्चों, डब्ल्यू फॉर क्या होगा बताइए, सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर, ऐसे होल नंबर्स, ठीक है ना। आर प्लस दे दिया तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, इस तरह से है, ठीक है, देख लीजिए। आप ये इसको याद रखेंगे, कैपिटल लेटर्स एन ये सब थोड़ा बहुत थोड़ा हल्का हल्का याद रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, हम सेट को कैसे लिखते हैं बच्चों, रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट को लिखने का दो तरीका होता है बच्चों, सेट को लिखने का दो तरीका होता है, एक होता है रोस्टर फॉर्म या डब्ल्यू फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डअप, ठीक है ना। चलिए पहले लिखिए बच्चों रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म,
जिसे हम क्या कहते हैं टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। और सेकंड होता है हमारा सेट विलर फॉर्म। बात क्लियर बच्चों? पहला आता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, दूसरा आता है सेट विलर। तो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म बच्चों यही था जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था यहाँ पे अल्फाबेट्स इस तरह, यही था हमारा रोस्टर फॉर्म जहाँ पे डायरेक्ट हम एलिमेंट लिख देते हैं बच्चों, ठीक है ना। डायरेक्ट हम एलिमेंट लिख देते हैं और सारे एलिमेंट्स को हम कॉमा से सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं क्या रोस्टर फॉर्म। समझ रहे हैं बात आप लोग? हेलो सर। तो रोस्टर फॉर्म का कुछ हम देखते हैं बच्चों, रोस्टर फॉर्म का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। रोस्टर फॉर्म कैसे लिखना है, जैसे बोला द सेट ऑफ, साथ में लिखते रहिएगा द सेट ऑफ ऑल लेटर्स, ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, तो क्या बोला कि आपको एक सेट बनाना है जिसमें ये मैथमेटिक्स वर्ड का जो भी लेटर है उसका आपको लिखना है, ठीक है ना, जो भी लेटर उसको लिखना है उस सेट। सपोज मैं सेट ए लिखा, ए से रिप्लेस करो, और मैथमेटिक्स में क्या क्या लेटर था बच्चों, मैथमेटिक्स में क्या क्या लेटर था, एम एम ए टी एच ई, एम ए था, टी था, एच था, ई था, याद रखिए बच्चों रिपीट नहीं होता लेटर, जो भी आप सेट लिख रहे हैं उसमें एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे, ठीक है ना, एलिमेंट्स रिपीट रिपीट नहीं होंगे, नहीं होंगे। तो एम तो हम एक बार लिख चुके हैं, ये एम लिख चुके हैं एक बार तो दोबारा नहीं लिखूंगा, ए लिख चुका हूं तो दोबारा नहीं लिखूंगा, टी लिख चुका हूं तो दोबारा नहीं लिखूंगा, आई लिखा था क्या, नहीं नो नहीं आई सी एस सी, सो दीस आर द लेटर्स फॉर द वर्ड मैथमेटिक्स। इसे हम किस फॉर्म में लिखे, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है ना, समझ रहे बात? यस सर। जैसे सपोज ये आ रहा द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स less than 7, मतलब 7 से कम जो भी नेचुरल नंबर है लिख दीजिए। तो सपोज हम 20 सेट लेते हैं तो 7 से कम कौन कौन सा नेचुरल नंबर है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 मत लिखिएगा क्योंकि less than 7 बोला, 7 से कम तो 6 ही तक है ना, 7 नहीं आएगा, ठीक है ना, less than 7 में 6 ही तक आएगा। हां बोलो सर। सर 7 से ज्यादा नहीं लिख सकते, यहाँ बोला पर है लेस देन 7 नहीं, मतलब हो सकता है क्या सर रोस्टर अगर फॉर्म में? अगर क्वेश्चन होगा तो हो सकता है, लेस देन 100 बोलेगा तो 1 से 99 लिखोगे। ओके सर। सर सर ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर में इसको n से रिप्रेजेंट नहीं करने से भी चलेगा क्या? चलेगा, आप 20 से जो के हैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ चलेगा, वो लेटर्स को हम यूज नहीं कर सकते, अब उसको जगह पे दूसरा आपको दिखाते चलेगा, ठीक है। तो ये देखो मैं बता रहा था रोस्टर फॉर्म मतलब क्या हुआ बच्चों, जो भी एलिमेंट्स था उसको आप डायरेक्ट एलिमेंट्स लिख लिए और उस एलिमेंट्स में क्या किए कॉमा देके सेपरेट कर दिए, ठीक है। तो आपको मिल गया क्या सेट बिल्डर फॉर्म या सॉरी रोस्टर फॉर्म मिल गया आपको, क्या मिल गया रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म लिखना बड़ा आसान है बच्चों, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में आपको क्या करना रहता है, उल्टा रिप्रेजेंट करना रहता है, ठीक है, उल्टा रिप्रेजेंट करना रहता है। मतलब देखिए सर सेट बिल्डर फॉर्म में टाइम लगता है आपको लिखने के लिए, लीजिए बच्चों हेडिंग सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर। अब सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे होगा बच्चों, थोड़ा देखिए ध्यान से, जैसे सपोज आपको एक सेट दिया था बच्चों 2 4 6 8 10, इसको आपको सेट ये किस फॉर्म में दिया बच्चों, 2 4 6 8 10 ऐसे लिखा मतलब कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में दिया आपको सेट, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना। तो जैसे कि नाम से पता चला बच्चों सेट बिल्डर, अब सेट बिल्डर का मतलब क्या है बच्चों, आपको बिल्ड सेट को बिल्ड करना है, अब सेट को बिल्ड कैसे करेंगे, देखिए थोड़ा सा सेट को बिल्ड करने बिल्डर फॉर्म से करने से पहले आपको थोड़ा ही पढ़ना आना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं सपोज सेट, सेट को हमेशा लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस में एक्स, सपोज इस सेट में क्या है पर देखिए x है, such that x का वैल्यू किसके साथ इक्वल है 2n के साथ इक्वल है, हाँ या ना, ऐसे लिख सकता हूँ, ये दो जो बिंदु दिया हो ना बच्चों इस टू, इसको आप पढ़ते हैं क्या x, ए सॉरी such that, क्या पढ़ते हैं such that,
सच दैट x का वैल्यू किसके साथ इक्वल है 2n के साथ इक्वल 2n ना 2 का मल्टीपल था लेकिन हां n का वैल्यू कहां तक था भाई n का वैल्यू कहां से शुरू था कहां तक खत्म था 1 to 4 10 1 से n का वैल्यू स्टार्ट था बच्चों n वेर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5 भूल गया था सर आज मैच है ना आज सब भूल जाएंगे देखिए इसको रिप्रेजेंट करना सीखते हैं कहाँ गया आप लोग बुक रखते हैं बच्चों बुक को एक मिनट मैं थोड़ा निकाल लेता हूँ बस एक मिनट लगेगा बच्चों मैं तो पीडीएफ डाउनलोड कर रहा हूँ मेरा तो एनसीईआरटी बुक नहीं है तो बहुत सारे एग्जाम्पल है सपोज अभी हमको यहाँ मिल गया एक बिल्ड एक सेट दिया है इसमें लिखा है 1/4, 1/9, 1/16, 1/25 इस तरह 100 दिया इसे आपको रिप्रेजेंट करता है रिप्रेजेंट करना सेट बिल्डर फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करना है बोलिए तो थोड़ा देखिए रिलेशन आप देख लीजिए बच्चों अच्छे से रिलेशन देख लीजिएगा किस फॉर्म में थोड़ा बताइए आप देख रहे हैं यहाँ पे हेलो सुन रहे बच्चों यहाँ पे देखिए आपको हर जो नेचुरल नंबर है वो नीचे आ रहा है 1/1 मतलब नेचुरल नंबर का स्क्वायर फिर 1/2 का स्क्वायर फिर 1/3 का स्क्वायर फिर 1/4 का स्क्वायर 1/5 का स्क्वायर इस तरह चलते जा रहे हैं है ना समझ रहे yes, तो क्या yes, यहाँ पे मैं बी सेट को लिख सकता हूँ क्या मैं लिख सकता हूँ बी सेट में यहाँ पे x है सच दैट x का वैल्यू किसके साथ इक्वल है 1/n² के साथ इक्वल है वेयर n वेयर n n belongs to where n is a natural number ऐसे लिखो belongs to मैं पढ़ाई नहीं इसलिए आप नहीं जानेंगे where n is a natural number ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों देखिए ऐसा जरूरी नहीं कि मैं ऐसे लिखूँ तो आप भी ऐसे लिखें आपका मर्जी आप जैसे लिख सकते हैं और कुछ तरीका आपको दिख रहा है तो बताइए और कुछ टाइप से लिख सकते हैं हेलो नहीं सर और किसी में नहीं होगा चलिए ठीक देखते हैं नेक्स्ट ये सर मैं तो कैसे हो गया यस सर यस सर यस सर ये देखिए तो ये सर हम कैसे लिखे yes, चलिए ठीक है सपोज और एक सेट था मेरे पास सी सेट था जिसमें लिखा था 0, 3, 6, 9, 12 इस तरह लिखा कैसे होगा बताइए ये कैसा आ रहा है बताइए सर ऐसे होगा क्या x टू x इक्वल टू 3n और वेयर n इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड नहीं नहीं वैसे तो नहीं होगा ये ओके बताइए सर x इज इक्वल टू 3n होगा क्या x इक्वल टू 3n इज अ होल नंबर लिख सकते हैं हां लिखो यस सर ऐसे होने से होगा ना सर आप लिख दीजिए सी सेट में x है सच दैट x का वैल्यू 3n के साथ इक्वल है वेयर n इज
होल नंबर, मैं यहाँ पे कंडीशन नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि ये चलते जा रहा है, तो कहाँ तक डालूंगा मेरे को पता नहीं, इसलिए एन को होल नंबर ले लिया। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों? जीरो से स्टार्ट होता है, तो एन का वैल्यू जीरो डाला। होल नंबर अपना क्या है? जीरो से जीरो, वन टू थ्री फोर इस तरह चलते जाता है ना, तो एन का वैल्यू अगर जीरो डाला तो क्या हो गया? थ्री टू जीरो मतलब जीरो। थ्री का वैल्यू वन डाला, एन का वैल्यू वन डाला तो थ्री, एन का वैल्यू टू डाला तो सिक्स, उस तरह आते जाएगा। संजीव बात कुछ? ये तो रहा रिप्रेजेंट बात करने का। अब देखिए कुछ नेक्स्ट टर्म्स हमको पढ़ना पड़ेगा, बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। देखिए बिलोंग्स टू का साइन ऐसे होता है बच्चों, ई को थोड़ा घुमा दीजिएगा, ये हो गया बिलोंग्स टू। नॉट बिलोंग्स टू का साइन कैसे होगा? ई को ऐसे काट दीजिए, ये हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू। ई को ऐसे काटना है, ऐसा ई को थोड़ा सा ऐसे घुमा दीजिए, समझ पा रहे हैं साइन बच्चों? यस सर। मान लीजिए सेट ए है हमारे पास, सेट ए में क्या था? वन टू थ्री फोर फाइव, सब प्रोजेक्ट सेट लिया जिसमें वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। पहले ब्रैकेट है, मेरे को ब्रैकेट ठीक से नहीं देना आ रहा, आप दे दीजिए। मैं लिख रहा हूँ सपोज टू डैश है, क्या बच्चों सेट ए में टू है? यस सर। टू बिलोंग्स, यस सर, यस सर। आप इसको क्या पढ़ेंगे? टू बिलोंग्स टू ए, है ना? क्या टेन सेट ए में है बच्चों? नहीं है। नॉट बिलोंग्स टू ए हो गया। उस तरह सपोज में लिखा फाइव डैश है, क्या फाइव इसमें है? यस सर, यस सर, है। यस सर, फाइव बिलोंग्स टू ए, ठीक है, बिलोंग्स टू। समझे बच्चों? यस सर, यस। ये बिलोंग्स टू एक्चुअली बाद में पढ़ाना था मुझको, लेकिन अभी पहले क्यों पढ़ाया? क्योंकि यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के टाइम जैसे आप लिख रहे हैं एन इज अ होल नंबर, ये नहीं लिख के आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एन बिलोंग्स टू होल नंबर। एन किस में है भाई? होल नंबर में। होल नंबर का जो जो वैल्यू सारा पुट कर दो, ठीक है, इस तरह डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसलिए जल्दी पढ़ा दिए, पहले पढ़ा। चलिए हेरिंग दिए बच्चों, टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स। अब सेट का ये सबसे, ये चैप्टर का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, और क्या बोलते हैं, इतना भी खास नहीं है, बस बेसिक है सब, ठीक है, एकदम बेसिक छोटा छोटा चीज़ है। तो जैसे टाइप्स ऑफ सेट बच्चों, पहला आता है एम्प्टी सेट, क्या आता है? एम्प्टी सेट। तो बच्चों नाम से बात चला है, जैसे एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट क्या होगा? एम्प्टी सेट का मतलब क्या होगा? खाली, कुछ नहीं है सेट, सेट खाली, खाली है। देखिए ए सेट इज, ए सेट इज सेट टू बी एम्प्टी सेट इफ इट, इफ इट हैज no elements in it, it is denoted by, बच्चों थोड़ा सा ध्यान से देखिए एक मिनट, denoted by five, क्या पढ़ते हैं आप इसको? इसको थीटा पढ़ते थे ना बच्चों, है ना, इसको क्या पढ़ेंगे आप? यस सर, five, five, five वाला five, ठीक है, जैसे पढ़ेंगे फाइव। ध्यान देने वाला बात ये है बच्चों कि एम्प्टी सेट में कभी ब्रैकेट नहीं लगता, एम्प्टी सेट में कभी ब्रैकेट नहीं लगता, ध्यान दीजिएगा बच्चों, हाँ इसमें मैक्सिमम गलती कर देते हैं, एम्प्टी सेट में कभी फाइव, एम्प्टी सेट में कभी ब्रैकेट नहीं लगेगा, नहीं लगता। एम्प्टी सेट को हम खाली ऐसे लिखते हैं, फाइव का साइन देते हैं, फाइव मतलब समझ जाना एम्प्टी, इसमें सेट में खाली ब्रैकेट स्पेसेस नहीं देंगे बच्चों, ध्यान रहा बात का, क्या बोला, समझ में आया कि नहीं? चलिए फॉर एग्जाम्पल सपोज इसका सपोज ए लिखा, ए सेट में क्या है? एक्स है, सच दैट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका कुछ आंसर हो सकता है एक्स, सॉरी एक्स इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका आंसर कुछ हो सकता है बच्चों? नो सर,
मैं सर नो सर क्यों नहीं हो सकता भाई बताइए तो इसका आंसर कुछ इसका सेट में क्यों नहीं हो सकता क्योंकि देखिए हमको पता है माइनस टू का रूट माइनस टू का रूट बिल्कुल x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस टू तो x इक्वल्स टू माइनस टू अगर x अगर माइनस का रूट निकालते हो बच्चों तो याद कीजिए क्लास 10 में मैं आपको पढ़ाया था यही चीज कि रूट ओवर नेगेटिव पॉसिबल नहीं हुआ था उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आता सो इट डज नॉट बिलोंग टू एनी रियल नंबर ठीक है ना सो देयरफॉर सेट a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों एम्प्टी सेट समझ में आया भाई मतलब आपको समझ में आ गया एम्प्टी सेट कहीं सर में सिंगल टोन सेट सिंगल खाली पॉइंट सिंगल मतलब क्या हो गया बच्चों अगर एक सेट में कितना एलिमेंट हो वन एलिमेंट बस 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 नाम के हिसाब से only one element then it is known as singleton set aditi ye sab padh liye ho kya pehle se aditi ye tumhara tha pehle se ssc mein like itna detail mein nahi tha acha acha thoda bahut tha na ssc mein hai na set sir ha ssc mein hai चलो सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट एंड इट इज सेट टू बी अ सिंगलटन सेट सपोज यहां पे अगर हम एलिमेंट लिखते हैं बच्चों कि सपोज ए सेट लेते हैं जिसमें x इज x है जहां पर x का वैल्यू कितना है x स्क्वायर सपोज x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 एंड वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मतलब नेचुरल नंबर ही होना चाहिए बच्चों ठीक है ना तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 इसको सॉल्व कर लेते हैं तो x square equals to 9 मतलब x का वैल्यू क्या है प्लस माइनस 3 लेकिन हमें क्योंकि बोला है कि x में नेचुरल नंबर है का मतलब क्या हो जाएगा x is equals to only plus 3 x is equal plus आप इसी को सेट a को क्या लिख सकते हैं बच्चों प्लस 3 लिख सकते हैं कि हां या ना इसको लिखो या इसको लिखो बात दोनों सेम है कि नहीं यस ये जो है ये रिप्रेजेंटेशन है सेट बिल्डर फॉर्म में और ये रिप्रेजेंटेशन है किससे फॉर्म में टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म अगर एक सेट में जो भी एलिमेंट है उसको आप काउंट कर सके कि भाई यहाँ 10 सेट है 20 सेट है 50 एलिमेंट है 100 एलिमेंट है तो उसे हम कहेंगे क्या फाइनाइट सेट ठीक है लिख देते हैं ए सेट इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट इफ इट इज आइदर नल सेट अच्छा नल को बच्चों वॉइड भी बोला जाता है वाह तो कंफ्यूज नहीं होगा कहीं पर अगर वॉइड वर्ड सुनेंगे तो कंफ्यूज नहीं होगा क्योंकि नल सेट इज इक्वल टू वॉइड सेट इफ इट इज आइदर नल सेट और वॉइड सेट और इफ इट्स एलिमेंट्स कैन बी काउंटेबल सपोज एक सेट लिख रहा हूं ए सेट जिसमें एक्स एस एस जेड एक्स इक्वल्स टू 2 एन वेयर एन इज लेस देन इक्वल्स टू 100 ऐसा क्वेश्चन दिया तो यहां पे क्या आप काउंट कर सके बच्चों कितना तो एलिमेंट्स है
नेगेटिव में चला जाए तो नेचुरल नंबर है मतलब 1 से स्टार्ट हुआ, तो यहां पे कितना एलिमेंट्स होगा बच्चों, 100 एलिमेंट्स होगा, काउंटेबल है ना तो बच्चों 100। ठीक है, की गलती बोला, ठीक है बोला, ठीक ठीक है सर। अब यही अगर लिखूं मैं इनफिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट नाम क्या होगा, सेट इज कॉल्ड इनफिनाइट, if its element are uncountable, अगर हम उसे काउंट नहीं कर सकते, सपोज अगर मैं लिख दिया सेट ए, यही क्वेश्चन लिखता था x सच डेट मतलब दो बिंदु हैं इस टू वाला x equals to 2 and n belongs to natural number, अब इसको कैसे काउंट करते भाई जी, x तो नेचुरल नंबर बोल दिया, अब नेचुरल नंबर तो इनफिनाइट है, अगर नेचुरल नंबर इनफिनाइट है तो उसका 2 का मल्टीपल भी क्या आ जाएगा, इनफिनाइट आ जाएगा, ठीक है नहीं, गलती बोल रहा हूँ, यस सर, यस सर, तो इसे हम क्या कहेंगे, इनफिनाइट सेट, समझ में आ गया बच्चों, यस सर, कि फाइनाइट सेट और इनफिनाइट सेट क्या है, नेक्स्ट लिखिए कार्डिनल नंबर्स, कार्डिनल नंबर्स मतलब क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, एक सेट में कितना एलिमेंट है उसे कार्डिनल नंबर्स बोलते हैं, कार्डिनल नंबर हमको सिर्फ फाइनाइट सेट का मिलता है बच्चों, इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर्स हम कहाँ से निकालेंगे, तो कार्डिनल नंबर हमें कहाँ मिलेगा बच्चों, अगर एक इनफाइनाइट एक फाइनाइट सेट है तो उसका हम कार्डिनल नंबर निकाल सकते हैं, है ना, समझ रहे बच्चों, नहीं समझ में आया कार्डिनल नंबर क्या है, जैसे सपोज ए सेट लिखा, इसमें एलिमेंट्स लिखा हमें 1, 2, 3, 4, 5, अगर आपको पूछेगा व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए मतलब कितना इसमें एलिमेंट्स है बच्चों, सेट ए में कितना एलिमेंट्स है, 5, बस कार्डिनल नंबर सेट ए कितना हो जाएगा 5, खत्म, आगे बात समझ में, यस सर, चलिए भाई बच्चों थोड़ा अगर होगा आपके पास, अगर आपके पास बुक है बच्चों तो थोड़ा बुक देख लीजिए, इनके पास नहीं है तो बोलिए मैं जुगाड़ करता हूँ, बुक है कि नहीं बच्चों, किस पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, संकल्प के पास, मेरे पास भी नहीं है सर, मेरे पास भी नहीं है, अरे 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 बहुत जन के पास नहीं है, चलिए बुक नहीं है तो मैं कल से PDF डाउनलोड करके इसमें सेव कर दूंगा, तो आप लोग को सुविधा होगा ना, अभी करूँगा तो 5 मिनट बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना, तो बुक एक जुगाड़ कर लीजिए आप लोग, क्योंकि हमको क्या है ना, बाकी सब सब्जेक्ट में बुक का इतना जरूरत नहीं होता, फिजिक्स केमिस्ट्री क्या तो बुक का जरूरत नहीं पड़ता, पर मैथ में बुक का तो जरूरत है ही ना, बाकी सब में रेफरेंस वगैरह से काम चल जाता है, चलिए अब नेक्स्ट लिखिए बच्चों, और एक सेट का टाइप बचिया था, एक्चुअली 2 टाइप बचिया था, नेक्स्ट लिखिए इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में फर्क है बच्चों, देखिए इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, देखिए 2 फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट, सेट इफ दे आर कार्डिनल नंबर्स आर सेम, देखिए वो जो इक्विवेलेंट सेट क्या बोलता है, इक्विवेलेंट सेट आप तब कह सकते हैं कि अगर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो जाएगा तो आप उसे इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं, ठीक है ना, इरेस्पेक्टिव ऑफ एलिमेंट्स का वैल्यू क्या है उससे हमको कोई फर्क नहीं है, मान लीजिए सेट ए में मैं लिखा सपोज 1, 2, 3, 4, 5 और बी सेट में लिखा सपोज ए ई आई ओ यू, दोनों सेट है कि नहीं बच्चों, वेल डिफाइंड है तो ए और बी दोनों सेट है तो बच्चों, यस सर, दोनों फाइनाइट सेट, दोनों वेल डिफाइंड सेट है और दोनों फाइनाइट सेट है, चलिए ठीक है, ये इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं कि ये सेट है या नहीं है, सेट तो है भाई जान के, अब हम देखिए क्या बच्चों की नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है या कार्डिनल नंबर्स, अगर हम सेट का प्रॉपर वर्डिंग बोले तो कार्डिनल नंबर्स
कार्डिनल नंबर्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी, दोनों का कितना है भाई, कितना कितना एलिमेंट, फाइव, पांच पांच एलिमेंट, तो इसे हम इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं, इसे हम इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं कि हाँ भाई दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट सेट के लिए कंडीशन क्या बच्चों, इक्विवेलेंट सेट के लिए कंडीशन ये है कि भाई दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो इसे हम इक्विवेलेंट बोल देंगे। और हमें कुछ नहीं देखना है कि इरेस्पेक्टिव एलिमेंट्स, एलिमेंट उसको देखना है नहीं, देखो क्योंकि सेट में एलिमेंट क्या था, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स था, और बी में क्या था, ए आई यू, ठीक है ना। तो एलिमेंट्स को हमको देखना ही नहीं, हमको सिर्फ देखना है कि भाई अगर नंबर सेम आ जा रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम आ रहा है, तो हम उसे क्या कह सकते हैं, इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं। बात क्लियर बच्चों, इक्विवेलेंट सेट समझ में आ गया। yes. पर यही अगर इक्वल सेट बोल दिया क्या बता दिया कि इक्वल सेट, क्या बोल दिया, इक्वल सेट, तो इसका क्या आ जाएगा, टू सेट्स ए एंड बी, इफ एवरी एलिमेंट, पहला क्लास है, पहला क्लास में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, पूरा बेसिक, ठीक है। सेकंड क्लास से जब हम सबसेट्स पढ़ेंगे, पावर सेट्स पढ़ेंगे और रिलेशन निकालेंगे, तब थोड़ा बहुत आपको मजा आएगा, ठीक है ना। ये बस बेसिक है बच्चों, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय सीख रहे हैं, वही सीख रहे हैं, ठीक है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ए मेंबर ऑफ बी, या सिंपल भाषा लिख लो यार, इफ ऑल द एलिमेंट्स आर सेम, वो ज्यादा अच्छा होगा ना, इतना डिफाइन क्या है, अपना भाषा ये एग्जाम में थोड़ी आएगा, ये लिख लेते हैं, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स आर सेम, तब जाके हम इसे इक्वल सेट कर सकते हैं, समझे बात। तो सपोज मैं सेट ए लिखा जिसमें एलिमेंट्स लिखा 1, 2, 3, 4, 5, और बोला बच्चों कि बी एक सेट है जो कि इक्वल है ए के साथ, सुनिए ध्यान से, मैं क्या बोला, बी सेट है जो इक्वल है ए के साथ, मतलब बी सेट क्या आएगा, मतलब क्या मिलेगा बच्चों बताओ, तो बी सेट क्या होगा, तो ये था पूरा बेसिक बच्चों, जो आपका पहला एक्सरसाइज 1.1 था उसी में है, ठीक है। अगर किसके पास बुक है तो देख लीजिए, आपका सारा नंबर हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो देखिए बच्चों ध्यान से, अब एकदम सबसेट्स, नहीं बच्चों सुनिए, आज पहला क्लास है, इतना ही करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बच्चे नहीं जानेंगे कि क्या, जो भी बुक भी नहीं है, मैं बुक का पीडीएफ डाउनलोड करके और नेक्स्ट क्लास करवा दूंगा। अच्छा कल आपका क्लास कितना बजे करने से होगा बताइए, तो कल सुबह कर ले बच्चों, सुबह आप लोगों सब फ्री है कि कौन सा क्लास है, अच्छा सुनिए, अगर हम कल का क्लास 9 बजे करें, 9 से, तो किसी को प्रॉब्लम बच्चों बताइए, 9 बजे किसी बच्चा का एक का प्रॉब्लम तो बताइए, नहीं सर प्रॉब्लम नहीं।